हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक, आज हम आपके सामने वीडियो इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट लाने जा रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से संबंधित जो वीडियो है, इससे संबंधित मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के तहत मैंने आपको बताया था छह तरह के अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनको छह भागों में विभाजित करके और उन अर्थव्यवस्थाओं को उसमें क्या किया गया, रखा गया है। ठीक, तो उसके तहत अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के तहत जो हमारा पहला भाग था या पहला वर्गीकरण था, वो कौन सा था? राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर, मतलब कि राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया, तो तीन भागों में किया गया। अब जो तीन भागों में इसका वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो राज्य के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं इसमें थी, राज्य सरकार के अधीन। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। और साथ ही साथ हर एक पार्ट के अलग अलग वीडियोस आपको मैं दूंगा, ठीक, जिसके वजह से आसानी से आप समझ सकें और अपने नोट्स बना सकें, करेक्ट। तो आज हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए, मैंने आपके और ईजिंग के लिए मैंने नोट कर दिया है कि आपको मैं बताऊंगा, साथ ही साथ समझाते भी चलूंगा, राइट। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा मैंने जो दी कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधन पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है। अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है और उससे जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है और निजी लाभ होता है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण स्वरूप जैसे देश देखे जाए तो वो कौन कौन से देश हैं जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो जितने भी विकसित देश हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड आदि, फ्रांस, बहुत ऐसे देश जितने विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वहां की जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां की, ठीक। देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको डिफिनेशन एंड इसके एग्जांपल देश मैंने बता दिए, उसके अलावा जो भी चीजें आप लोगों को पता है आप लोग पढ़ते भी रहे साथ ही साथ, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचारधारा अगर बात की जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा कहां से है या किसने दी, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ साहब ने दी। एडम स्मिथ साहब ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा दी। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बताया है, इस विचारधारा के बारे में, इसकी विचारधारा जो दी अपनी किताब पुस्तक में, जिसमें दी एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी किताब है, बुक है, जिसमें इन्होंने इसकी बात रखी थी और ये बुक इन्होंने कब लिखी थी, मैंने बताया था 1776 ईस्वी में की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा है, ठीक। साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत न्यून होता है, इसमें सरकार यानी कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत न्यून होता है, मतलब ना के बराबर, इसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है ना के बराबर होता है,
ना के बराबर होता है, क्योंकि निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप नीति है वो ना के बराबर है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन ना के बराबर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे विकसित है या जहाँ पे ये अपनाई जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल नहीं माने जाते ज्यादा, मतलब कि उनकी नीतियाँ नहीं फॉलो करते, उनकी खुद की नीतियाँ, खुद के कानून, खुद के नियम होते हैं, जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक, देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन पेपर में आएगा कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था जो सरकार का हस्तक्षेप एकदम न्यून है, ना के बराबर है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक, अच्छा बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसपे हम लोग जान जाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इसके तहत जो पहली अर्थव्यवस्था इसकी विशेषता है कि निजी संपत्ति का अधिकार, पहली इसकी विशेषता यही है कि निजी संपत्ति का अधिकार है, निजी की संपत्ति अधिकार। दूसरा, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ। तीसरा, उच्च एवं बेहतरीन गुणवत्ता का उत्पाद। चौथा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं। पांचवा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र हैं आप। और आपका छठा, प्रतियोगी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो देखा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो इसकी प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको बता दी, निजी की संपत्ति का अधिकार, भाई खुद पूंजीवादी मतलब निजी स्वामित्व मतलब निजी संपत्ति, अपना काम है, ठीक, निजी है खुद की। अधिकतम लाभ, जब हमारा खुद है तो हम अधिक मेहनत करके अधिकतम लाभ कमाना चाहेंगे। उच्च एवं बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद, जो भी हम सामान प्रोडक्ट या जो भी चीज़ हम देंगे अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर देंगे, जिससे हमारी कंपनी का नाम और ग्रो हो और सेल हो। सरकार का हस्तक्षेप नहीं, गवर्नमेंट का कोई भी उस कंपनी या उस अर्थव्यवस्था में इंक्लूडेशन नहीं होता है, इंक्लूड नहीं रहती है। पांचवी, स्वतंत्रता का अधिकार, तो खुद की कंपनी खुद का है तो स्वतंत्र है, हम वो माल चाहे ये 10 रुपये में बेचे, चाहे 25 रुपये में बेचे, चाहे 5 रुपये में बेचे, स्वतंत्र है। प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, प्रतियोगी मतलब जैसे हमारे तरह, हमारी जैसे मान लो कंपनी, हमारी तरह कई कंपनियां खुल गई सेम टू सेम, अब उसी तरह की जब कंपनियां खुल जाएंगी तो हमको ये होगा कि हम प्रतियोगिता हो गई ना, कॉम्पिटिशन हो गया कि अब हमको उससे बेहतर माल उत्पाद देना है और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू बनानी है, अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद साथ ही साथ मार्केट वैल्यू बनानी है, यानी कॉम्पिटिशन हो गया, उससे बेहतर हमें देना है। ठीक, तो ये प्रमुख विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, परिभाषा, किसकी विचारधारा कहाँ से ली गई, किसने दी, और इसकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक, ये खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी थे मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने आपको बता दिया। एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, राइट। और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक ही अर्थव्यवस्था पढ़ते चलिए, उसके नोट्स बनाते चलिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे। ये कंप्यूटर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जितने अर्थव्यवस्थाएं जो बेसिक चीजें हैं वो सारी बताने के बाद आपको इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। तो आपको जैसी भी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद्या को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।